हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूं आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। अच्छी खबर आ रही है भाई लोग, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, राउरकेला स्टील प्लांट की तरफ से यहां पे बीबीटेक और डिप्लोमा वालों का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। बीबीटेक वालों के लिए जूनियर मैनेजर का रिक्रूटमेंट, जूनियर मैनेजर की पोस्ट निकली है जिसमें बीबीटेक के साथ एक्सपीरियंस मांगा गया है। बाकी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की जो पोस्ट निकली है उसके लिए फ्रेशर्स डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वालों के लिए बेसिकली बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट है। डिटेल में हर चीज के बारे में बात करते हैं, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कहाँ मिलेगा आपको, एग्जाम के सेंटर किस तरह होने वाले हैं, एग्जाम वगैरह वगैरह सब चीज आपको बताता हूँ। आपको बस आखिरी तक बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड राउरकेला स्टील प्लांट की तरफ से नोटिफिकेशन है, आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ भाई लोग, आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खासकर अगर आप डिप्लोमा वाले हैं तो। यहाँ पे जो जूनियर मैनेजर की पोस्ट निकली है उसमें बस उड़िया लैंग्वेज कंपल्सरी रखा गया है। बाकी जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की पोस्ट है उसके लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिटेल में आप पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। जो जूनियर मैनेजर की पोस्ट निकली हुई है, ईवन ग्रेड के अंदर कुल मिलाकर 7 पोस्ट निकली हुई है जिसमें बीई बीटेक 65% के साथ पास आउट वाले हर ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है 2 का एक्सपीरियंस और इसके साथ जरूरी है पीजी डिग्री या डिप्लोमा होना इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, और इसके साथ जरूरी है कि उड़िया लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो जूनियर मैनेजर की जो पोस्ट है इसके लिए उड़िया लैंग्वेज कंपलसरी बेसिकली रखा गया, और जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की पोस्ट है इसके लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज उड़िया वगैरह यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। लेकिन जो जूनियर मैनेजर की पोस्ट है इवन ग्रेड में, इसमें उड़िया लैंग्वेज कंपलसरी रखा गया है। बीई बीटेक प्लस एक्सपीरियंस प्लस पीजी डिग्री या डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी में प्लस उड़िया लैंग्वेज। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 18 से 30 साल, 18 से 30 ईयर्स रखी गई है। अब जो मेन पॉइंट है वो है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के अंदर 170 पोस्ट निकली हुई है। S3 ग्रेड के अंदर का ये रिक्रूटमेंट है। मैकेनिकल की 70 पोस्ट है, मेटलर्जी की 55 है, इलेक्ट्रिकल की 20 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 17 है, इंस्ट्रूमेंटेशन की 8 है, तो कुल मिलाकर 170 पोस्ट है। फुल टाइम अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल मेटलर्जी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से 50% के साथ अगर आप पास आउट हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 28 साल, 18 से 28 ईयर्स रखी गई है। बीई बीटेक वाले लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, डिप्लोमा वालों की बेसिकली ये पोस्ट है, S3 ग्रेड के अंदर की ये पोस्ट है। इसके बाद ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर की पोस्ट निकली है जिसमें 28 पोस्ट है, जिसमें डिप्लोमा पास आउट 50% के साथ वाले मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल पावर प्लांट प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट का आपके पास सर्टिफिकेट होना, तो ये जरूरी है। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 30 साल रखी गई है। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एक्सपीरियंस, यह सब नोट किया जाएगा 4/12/2018 के अनुसार, ये डेट दी गई है, यानी कि 4/12/2018 तक आप एज लिमिट में होने चाहिए, आपकी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हो जानी चाहिए अगर आप अभी फाइनल ईयर में हैं तो। जूनियर मैनेजर की जो पोस्ट है इसमें जब ट्रेनिंग होगी तो उस दौरान 20,600 से 46,500 रुपए तक मिलेगा 1 के लिए, और 1 के बाद आपको 24,900 से 50,500 के बीच में मिलने लगेगा, प्लस HRA PF मेडिकल यह सब की सुविधा भी आपको मिल जाएगी। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की जो पोस्ट है इसमें पे स्केल रखा गया है 16,800 से 24,110 रुपए, DMS अलाउंस HRA PF वगैरह आपको हर चीज की सुविधा यहाँ पे मिल जाएगी। और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर की जो पोस्ट है इसमें 2 की ट्रेनिंग होगी, पहले साल में 10,700 रुपए मिलेगा, दूसरे साल में 12,200 रुपए मिलेगा, और उसके बाद 16,800 से 24,110 रुपए के बीच आपको मिलने लग जाएगा। तो ये है बेसिकली पे स्केल जो तीनों पोस्ट की हैं। फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो जूनियर मैनेजर के लिए हाइट 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मेल की वेट होना चाहिए 45 kg, और चेस्ट 72 से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए जब आप एक्सपांड करते हैं उसे फुलाते हैं तो। और फीमेल के लिए भी दिया गया 143 सेंटीमीटर हाइट, 35 kg वेट, और 75 से 79 सेंटीमीटर चेस्ट का एक्सपांशन होना चाहिए। तो ये जूनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए ये जो फिजिकल क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ, ग्लासेस एलिजिबल है। जूनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए 6/9 विथ और विदाउट ग्लासेस, यानी कि विदाउट ग्लासेस
या फिर अगर आपने चश्मा लगा हुआ है विथ ग्लासेस तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पावर जो है आपकी ग्लासेस की, लेकिन पावर जो है आपकी ग्लासेस की प्लस माइनस 4 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, इसके फिजिकल के बारे में बात करें तो मेल की हाइट 155 होनी चाहिए, वेट 45 होना चाहिए, इसके अलावा चेस्ट 75 से 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक्सपांशन के समय फीमेल की हाइट 143 सेंटीमीटर, वेट 35 केजी और 70 से 73 सेंटीमीटर एक्सपांशन होना चाहिए चेस्ट का, चेस्ट की मेजरमेंट ये रखी गई है। ग्लास अगर चश्मा लगा हुआ है तो आप एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पावर जो है प्लस माइनस 4 डायोप्टर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट मोड ऑफ सिलेक्शन, किस तरह सिलेक्शन होगा उस बारे में बात करें तो जूनियर मैनेजर का रिटर्न होगा, फिर इंटरव्यू होगा, रिटर्न 2 घंटे का होगा, 80% वेटेज रिटर्न में दिया गया, 20% वेटेज इंटरव्यू का दिया गया। यानी कि रिटर्न में अगर आप बहुत अच्छा रहते हैं, इंटरव्यू में थोड़ा कम भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा ऐसे जूनियर मैनेजर। इसके अलावा ओसीटी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें रिटर्न होगा और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। रिटर्न जो होगा यह 2 घंटे का होगा और ये जो रिटर्न होगा इसमें 100% वेटेज दिया गया, यानी कि रिटर्न में अगर आप टॉप कर दिए तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। रिटर्न की मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। रिटर्न के बाद स्किल टेस्ट होगा जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि इसको आपको बस क्वालिफाई करना है, टॉप ऑफ करने से कोई मतलब नहीं है। इस स्किल टेस्ट को आप बस क्वालिफाई कर लेंगे और रिटर्न की जो मेरिट लिस्ट रहेगी उस हिसाब से जो जो बंदा क्वालिफाई किया रहेगा स्किल टेस्ट को, वो बंदे का सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम के सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं तो एग्जाम का सेंटर जूनियर मैनेजर को सिर्फ राउरकेला मिलेगा अगर आप जूनियर मैनेजर के लिए अप्लाई करते हैं। इसके अलावा ऑपरेटर कम टेक्नीशियन को राउरकेला, भुवनेश्वर, संबलपुर, कटक ये सब जगह एग्जाम का सेंटर मिल जाएगा। फॉर्म भरने की फीस रखी गई है 500 रुपए जूनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए, ओसीटी की पोस्ट के लिए 250 रुपए फीस रखी गई है, कोई भी फीस नहीं है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए एसबीआई नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चालान वगैरह के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म स्टार्ट होगा 5/11/2018 से, 5 नवंबर से और चलेगा 4/12/4 दिसंबर 2018 तक। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 5 नवंबर से आप जाके इसे अप्लाई कर सकते हैं। और बस यही है भाई लोग डिटेल में इसका नोटिफिकेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और उनको भी बता दो भाई ओसीटी की पोस्ट राउरकेला स्टील प्लांट में निकलने वाली है, हमको साथ में जाना है उड़ीसा एग्जाम देने के लिए। और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग, जय जवान जय किसान।